I have a surprise for you. See my waistcoat. आज मैं जब यहां पे आ रहा था तो मैंने मेरी मां से कहा मैं पहली बार फिल्म अवार्ड होस्ट कर रहा हूं तो मेरे को आशीर्वाद दे. मेरी मां कहती लख लख बधाइयां. मैंने कहा मां जिनके बीच में जा रहा हूं वो सब 100 करोड़ से ऊपर वाले लोग हैं तो लख लख बधाइयों से काम नहीं चलेगा. और सच भी ये है, मैं सामने देख रहा हूं यहां पे काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनकी फिल्में जो हैं वो 100 करोड़ से ऊपर का बिजनेस कर चुकी हैं. कि स्वच्छ भारत अभियान का सपोर्ट आप और मैं ही नहीं पूरी टीवी और फिल्म प्रोड्यूसर गिल्ड कर रही है और हिंदुस्तान टाइम्स. कपिल के साथ बीच बीच में कुछ को होस्ट भी नजर आए पर सबसे ज्यादा परेशान उन्होंने परिणीति को ही किया. परिणीति का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ. ये बहुत ही मेहनती एक्टर है. ये खुद तो मेहनत करती है, अपने को स्टार से बड़ी मेहनत करवाती है, नहीं तो एक फिल्म में इतने किसिंग सीन आम बंदे की बस की बात ही नहीं है. यही प्रॉब्लम है, जितनी अच्छी एक्टिंग कर लो वो सब भूल जाते हैं, कितने किसिंग सीन्स हैं वो याद रह जाते हैं. अरे आप लोग बड़े लोगों करके भूल जाते हो, हिंदुस्तान के लोग भरे पड़े हैं. आपके उन्हीं सीन्स के सहारे तो नॉर्थ में लोगों का दिसंबर जनवरी निकलता है, आपको पता. वो स्क्रिप्ट की डिमांड होती है, स्क्रिप्ट में लिखा होता है, समझ आई. तुम्हारी तरह नहीं है बिना स्क्रिप्ट के लगे हुए सब पे लाइन. तो तुम्हारी स्क्रिप्ट की डिमांड है, मेरी जवानी की डिमांड है. अपना अपना जवानी की इतनी डिमांड की एक पिक्चर में 4-4 हीरोइन आ गई है, वो भी जवानी की डिमांड है. आई थिंक वी शुड चेंज द टॉपिक नाउ. नाउ व्हाई? ऐसे ही इस बैग में क्या है? इस बैग में जितने भी स्टार्स यहाँ बैठे उनकी चेयर से क्या क्या निकला है वो है. क्या क्या निकला? चिट्ठी निकली है. हाँ, ये वरुण की चेयर के नीचे था. ये चिट्ठी है, बेटा वरुण उम्मीद है कि तुम ठीक ठाक हो. तुम्हें कल फोन किया, तुम्हारे बॉय ने उठाया. उसने कहा कि सर बिजी है. मैं जानता हूँ तुम 2017 तक बिजी हो पर एक बार मेरी स्टोरी तो सुन लो. तुम्हारा डैड डेविड धवन. कंगना ने लिखा है थैंक यू, यू आर वेरी स्वीट. कंगना ने इधर लिखा, उधर देख के क्या पढ़ रही हो? ओह शिट, तो कमीना. ओह सॉरी सॉरी, ओह सॉरी सॉरी. इट्स ओके, समहाउ वी हैव टू मैनेज. वैसे तो अपने पीके किसी अवार्ड फंक्शन में आते नहीं हैं, पर इस बार उनके गुरु जीके जरूर नजर आए जिन्होंने स्टार्स के हाथ को पकड़कर ही बता दी उनके मन की बात. अपने आपको पीके समझ रहा है? ये थोड़ा कम पीके आए हैं, ट्रांजिस्टर के पीछे धोती भी है. जी भाई साहब कहाँ से आए आप? हम जीके हो. क्या है? जीके. जीके आलिया को ढूंढने आए? अरे नहीं, जनरल नॉलेज वाला जीके नहीं, हम पीके का दादा जीके हूँ. पीके का दादा जीके? हाँ. मतलब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं जीके साहब? अरे हम अपने पोते को ढूंढने खातिर आए हैं. आपने किसी को मेरे ख्याल से ध्यान से सुना नहीं कभी किसी बात नहीं, आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, वो कभी अवार्ड फंक्शन में आते ही नहीं है. वो पीके काफी सक्सेस हो गई, कहीं पीके शायद एंजॉय कर रहे हो, आप गलत जगह आ गए. अरे नहीं नहीं जी, हमारे गोले में शराब मिलती नहीं. आपके गोले में शराब नहीं मिलती? हाँ. आपका गोला गुजरात में पड़ता है? मेरे को एक बात बताइए सर, यह ये बात सच है कि आपके गोले में आप किसी का हाथ पकड़ के उसके मन की बात बता देते हैं? हाँ. अच्छा, ऐसे मेरे मन में बताइए क्या चल रहा है. अच्छा, बड़ा बदमाश हो, मन ही मन ये सोच रहा हो कि जीके की पावर तोहरे पास आ जाए. आई, अरे बाप रे, आप तो सच्ची में बता सकते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है यार, थोड़ा आप मेरे को दे सकते हैं ये पावर? नहीं. आप एक काम कर सकते हैं मेरे लिए, यहाँ पे कुछ बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं हमारे फिल्म स्टार, उनका हाथ पकड़ के आप बता सकते हैं उनमें मन में क्या चल रहा है उनके मन में? हाँ पक्का. ये काम हम कर सका कर सकते हैं. हाँ आइए, मैं आपको लेके चलता हूँ उनके पास. सबसे पहले अक्षय पाजी के हाथ पकड़ के आपको बताना है इनके दिमाग में क्या चल रहा है. अक्षय पाजी यहाँ बैठे हुए हैं. आठ बजे हमारा डिनर का वक्त वो तो गुजर चुका. 9:30 बजे हम सोने जा रहा था, वो भी मिस हो. अब 5:00 बजे ये एक्सरसाइज का टाइम, वो नहीं मिस हो सकता. कोई बात नहीं पाजी, हम आपको 4 बजे यहीं से भेजेंगे, फंक्शन जल्दी खत्म कर देंगे हम लोग. नहीं पंदा है लेकिन है कमाल का सर, सबके हाथ पकड़ के बता देता है. अच्छा अनिल कपूर साहब वहां पे बैठे, उनका हाथ पकड़ के बताएंगे उनके दिमाग में क्या चल रहा है. ये टाइगर श्रॉफ वाह, हमने से भी यंग दिख रहा है. सर टाइगर श्रॉफ को तो छोड़ दीजिए, वो तो सोनम से भी जूनियर है सर. ऐसे क्यों?
पर सर आपकी पर्सनैलिटी और आपकी फिटनेस की दाद देनी पड़ेगी। एक बार अनिल कपूर साहब के लिए जोरदार तालियां। सोनम की पहली फिल्म आई थी तो मुझे यकीन ही नहीं था कि अनिल कपूर साहब की बेटी, मुझे लगा नहीं नहीं यार ऐसे कैसे, कजन डॉटर होंगी शायद, पर कमाल है सर, कमाल है। आइए और भी हमारे स्टार्स हैं यहाँ पे, ये रितेश देशमुख बैठे हुए हैं, इनका हाथ पकड़ के बताएंगे जरा एक क्या चल रहा है इनके दिमाग में। मेरा पकड़ लीजिए, मैं पकड़िए, आप भी पकड़िए, सिग्नल पकड़ता है। मैं पकड़ गया। इनके दिमाग में चल रहा है दो सूखे दूध के डिब्बे तीन डायपर। रितेश जनेली आपको किस काम के लिए भेजती है आप यहाँ पे आगे अवार्ड फंक्शन में आगे बैठ जाते हैं।